अंजना जी, मेरे हाथ में दो हवाई जहाज हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही वेट के हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। एक तो है ये चौकीदार का राफेल और एक है कांग्रेस पार्टी का राफेल। कांग्रेस पार्टी का जो राफेल है वो 526 करोड़ रुपए का है और इसकी निश्चित रूप से जो बनाने की बात थी या आने के बाद जो काम करना था वो HAL को करना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आप समझती है ना, जो पंडित नेहरू ने लगाई थी। शायद हो सकता है चौकीदार जो है पंडित नेहरू इतना चिढ़ते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी खत्म करना चाहते हो। एक ये हवाई जहाज है जो चौकीदार लाए वो 1670 करोड़ रुपए का है, हमारा वाला हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। और ये चौकीदार जो है ना, देखिए किसको देते हैं, नाम लिखा है अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी को आप जाकर के सारे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो 12 दिन पहले बनी थी। चौकीदार जब भागीदार बनता है तो प्राइसिंग बढ़ती है और 41,000 करोड़ रुपए देश के खजाने से जाकर के खत्म हो जाते हैं। कहिए तो मैं हवाई जहाज उड़ा के दिखाऊं। अब भारतीय जनता पार्टी के तोते स्पष्ट कहता हूं, अब हवाई जहाज भारतीय जनता पार्टी का बैठ जाएगा ऐसे, कांग्रेस का हवाई जहाज उड़ेगा ऐसे। सुधांशु जी, ऐसे सुधांशु जी, ठीक है जवाब सुनिए। सुधांशु जी,